बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कारी साहब ने आयत तिलावत की, ये है वह खलक मिन्हा ज़ौजहा या वह जअल मिन्हा ज़ौजहा, क्या है वह खलक मिन्हा ज़ौजहा, अल्लाह तआला ने, ठीक है ना, वह खलक इसने जअल पढ़ा, तो इसलिए मैंने कहा मैं गलत हूँ, यही गलत है, तो बाद में ठीक कर लिया। बहरहाल वह खलक मिन्हा ज़ौजहा, ये जबरदस्त आज सबक है, जरा गौर से सुन लें। अल्लाह ताला ने औरत को इंसान मर्द से पैदा किया, कहां से पैदा किया आप सबको मालूम है, देखो पैरों से अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, इसका मतलब यह है कि औरत को जलील मत करो, औरत को बेइज्जत मत करो, औरत के साथ खिदमत भी करो। हुज़ूर ने औरत के साथ खिदमत भी की है, बकरी से दूध भी लिया है, झाड़ू भी लगाया है, खिदमत भी की है, मदद भी की है, तो औरत को हकीम न समझो। ज़माने जाहिलियत में अरब में औरतें मीराज में तकसीम होती थी, और जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने कहा कि छह हिस्से हैं, सेक्स शेयर्स, तवज्जो, छह हिस्से हैं और 12 अफराद है और 4 फर्द है, 8 औरतों का अल्लाह ताला ने नाम लिया, इनको विरासत में हिस्सा है, और ज़माने जाहिलियत में उनको विरासत में तकसीम किया जाता था औरतों को। तो पैर से भी इसको पैदा नहीं किया गया है, तवज्जो, पैर से भी इसको पैदा, इसकी बेइज्जती न करो, और सर से भी पैदा नहीं किया कि इसको सर पर भी न चलाओ, फैसले खुद करो। जब वो घर से बाहर जाएगी तो आपसे इजाजत न ले तो आपने सर पर चढ़ा दिया, तो आपसे इजाजत लेकर बाहर जाएगी। और पैसा और रिश्ता, पैसा और रिश्ता, इस हवाले से फैसला आपका चलेगा, औरत का नहीं चलेगा। तो सर से भी नहीं बनाया कि सर पर न चढ़ाओ, पैर से भी नहीं बनाया, बेइज्जती भी न करो, किससे बनाया, बाएं बाएं पस्ती से पैदा किया, आप नुकता समझो, बाएं पस्ती से पैदा किया, ये तशरीह मेरी है, ये किसी किताब में नहीं है, बस बुखारी में ये है, कुरान में तो ये है कि वखला का मिनहा ज़ौजहा, बुखारी में ये है कि बाएं पस्ती से पैदा किया, बाकी उसकी तशरीहात और तफसीलात और इल्मी नुकते ये मैं बयान कर रहा हूं, किसी किताब में नहीं। अब बोलो दिल के ऊपर बाएं पस्ती, बाएं पस्ती होती है या जिगर के ऊपर होती है, बोलो, जिगर के ऊपर दाएं पस्ती होती है और बाएं पस्ती किस पर होती है, दिल पर होती है, तो इसको दिल के साथ रखो, किसके साथ रखो, और दिल से इसके साथ मोहब्बत करो। आगे सुनो तवज्जो, बोलो पस्ती टेढ़ी होती है या सीधी होती है, बोलो, इधर देखो, टेढ़ी होती है या सीधी होती है। अच्छा, ये मेरी और आपकी पस्तियां टेढ़ी हैं, इसके लोग गलत मतलब बयान करते हैं, सब लोग औरत बाएं पस्ती से पैदा टेढ़ी होती है, मर्द बड़ा सीधा होता है। हाँ, क्या काबिल ने हाबिल को कतल नहीं किया, अबू जहल और फिरौन मर्द नहीं थे, और अबू लहब तो दोनों बराबर है, मर्द और दोनों बराबर है, मुआशरत में, रहन सहन में, और आखरत में औरत का दर्जा ऊंचा है कि खाम से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी। क्यों, औरत को अपने आमाल भी मिलते हैं और उसके घर के सारे बच्चे और बूढ़े और वालिदैन और ससुर और सास और देवर और जिसकी वो खिदमत करती है वो सारे नए आमाल भी औरत को मिलते हैं, अपने भी मिलते हैं, इसलिए औरत का दर्जा आखिरत में ऊंचा है, वो अपने खाओं से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी। और मुआशरत के एतबार से, रहन सहन के एतबार से मर्द औरत क्या है, बराबर है, औरत को निचली निगाह से देखना ही हराम, और घर की चारदीवारी में मर्द की बात चले, किस मर्द की, छोटे भाई की नहीं, वो भी मर्द है, छोटे बेटे की नहीं, बड़े बेटे की नहीं, देवर की नहीं, किसकी बात चलेगी, खाओ कब,
जब वो जाए अगर ना जाए तो किसी की बात भी नहीं चली, तो की बातें जाए तो फिर मौत की चली। चार दीवारी के अंदर इस तरह कारखाने का हेडमैन या स्कूल का प्रिंसिपल, हेडमास्टर कॉलेज यूनिवर्सिटी का वीसी, तो इस तरह मर्द है। अब औरत किससे पैदा है? बाएं बस्ती से, वो सीख भाई। अब औरत जो बाएं बस्ती से पैदा है तो टेढ़ी होती है, तो अब बताओ ना अगर आपकी अभी अभी बस्तियां सीधी हो जाए तो आप बहु बला बन जाओगे नहीं बन जाओगे? ठीक है, तो बस्ती के टेढ़ेपन में खूबसूरती है, औरत के नाजो नखरा, औरत का नाजो नखरा वो मुराद है टेढ़ेपन से। ये नहीं कि औरत गलत होती है, मर्द भी गलत होते हैं, औरतें भी गलत होती हैं, मर्द भी अच्छे होते हैं, औरतें भी अच्छी होती हैं। तो इसके टेढ़ेपन में खूबसूरती है, जिस तरह बस्ती के टेढ़ेपन में खूबसूरती है, और टेढ़ेपन से मुराद गलत होना क्या है? नाज नखरा। आपने बीवी को कहा, चाय बनाओ, बस करो खुद बनाओ ना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इट इज कॉल्ड नखरा। इसको क्या कहते हैं? नखरा। तो वो नाफरमान है? नहीं, ये नखरा करती है, ये है टेढ़ापन। आज ये करो, मेरी तबीयत खराब है, खुद करो ना, खुद भी पानी लाना मेरे लिए, ये है टेढ़ापन। ये नहीं क्या गलत है, ये तशरीह मत करो, ये सारे लोग करते हैं, बल्कि उलमा भी करते हैं। वो हदीस पूरी सुनाता हूं, इन दरबारात खुलिकत मिन ज़िल अयसा इन ذهبت تقيمه تبصره وكسرها طلاقها। ذهبت का यह माना है अगर तुम शुरू हो जाओ। औरत को बाएं बस्ती से पैदा किया गया है, अगर तुम शुरू हो जाओ, इसको सीधा करो, तो अगर टेढ़ी बस्ती को तुम सीधा करोगे तो टूटेगी नहीं, टूटेगी। तो औरत के नाज नखरा अगर तुम बर्दाश्त न करो, प्यार मोहब्बत बर्दाश्त न करो, उसकी गलती बर्दाश्त न करो और उसके साथ गुजारा न करो, तो टूट जाएगी बस्ती। व कसरोहा तलाकोहा, और बस्ती का टूटना ये क्या है? औरत को तलाक देना, तो घर आपका क्या हो जाएगा? तो औरतों के साथ गुजारा करो, औरतों के साथ। औरत की क्या गलती होती है आपको पता है? तवज्जो, तवज्जो। मैं आज आपको एक नुस्खा दे रहा हूं, ऐसा नुस्खा दे रहा हूं, मैंने इस पर छह बीवियों को रखा हुआ है, आपको आज एक नुस्खा देता हूं। चलो एक लतीफा सुनो, फिर नुस्खा देता हूं, बताऊं कि ना बताऊं। एक औरत बैठी हुई, तवज्जो से सुनो, एक जज के पास एक आदमी का साला चला गया कि इस आदमी ने मेरी बहन को डरा धमका के रखा हुआ है, 30 साल हो गए, मेरी बहन अपने इस खावन के सामने चू भी नहीं कर सकती, चू। ऐसे पूरा जर्नल है, जर्नल, और मजा है अगर मेरी बहन इसके सामने बोले। अब केस शुरू हो गया, दावा मुद्दई और जज, तो मर्द ने कहा जज साहब मेरी बात भी सुन, मेरी बात भी सुन, ये मैं भी अपना मौका बयान करता हूं। जज का रामदान भेजा थोड़ा पुतला, तरीका दस, तरीका दस। ये औरत को आपने जो 30 साल डरा धमका के रखा हुआ है, आपके सामने चू नहीं कर सकती, यार हम तो भी हो, मेरे दोस्त है, आप सब जानते हैं, जज है, बहुत मशहूर थे, उसकी बीवी यहां आती है और उसके जना यहां इत्तेकाम में बैठता है, बूढ़े हो गए तो उसका बेटा बैठता है, तो वो कहते हैं मुझसे, मैं अपनी बीवी से बहुत तंग हूं, चलिए हैं। तो जज ने कहा तू सारी बात छोड़ना, ये बीवी को आपने जो डरा धमका के रखा हुआ है, तरीका दस, कैसे आपने ऐसे रखा हुआ है कि वो छू नहीं कर सकती? तो उस आदमी ने कहा केस मेरे हक में करो, तो फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि बीवी को कैसे डरा धमका के रखना है और चू भी नहीं करती, ठीक है ना जी। हाँ, तो अब मैं बयान कर रहा हूं और 3-4 आदमी ने मोबाइल खोल दिए कि उस्तादी तरीका बताएगा कि औरतों को दबाने का तरीका, अब मोबाइल को नीचे कर दिया। हाँ, अच्छा, औरत के साथ गुजारा करो, औरत के साथ क्या करो,
गुजारा करो। इसका क्या मतलब है मुनीर भाई, वसीम भाई, नौमान भाई, मेरे प्यारे भाई, औरत के साथ गुजारा करो इसका क्या मतलब? आज समझो मेरी मतलब जवाब, औरतों के साथ गुजारा करो है तो औरत फ्रेंकिक मारती है, वो रेसलर है, वो कराटे जानती है, वो ग्रेट बेल्ट है, वो किक मारती है, बोलो ना, पिस्तौल से मारती है, फायरिंग करती है, डंडा मारती है, नहीं क्या करती है, जुबान चलाती है, कह मेरी बीवी बस जुबान है, जवाब की किसान की औरत है बस जुबान है, उनके पास ये जुबान ही और क्या है बेचारे, आटा वही गूंथती है, कपड़े वही सीती है, वही बनाती है, वही धोती है, वही इस्त्री करती है, वही आटा गूंथती है, वही कपड़े बनाती है, वही धोती है, वही बच्चों को, पांच बच्चों को रखती है और उनको खामोश करती है, एक मर्द को चार महीने पांच बच्चों के साथ कमरे में बंद करो, इंशाल्लाह जब निकलेगा तो एक ही सेंटर में उसको दाखिल करोगे, आदमी पागल हो गया। ये औरत का बड़ा दिल है, कितना काम करती है, तो आगे से वो जुबान ही चलाती है ना। तो अल्लाह तआला फरमाते वाशिरून बिल मारूफ वाशिरून बिल मारूफ, औरतों के जबान के साथ गुजारा करो, किसके साथ? जबान के साथ। मेरी एक बीवी इंतकाल कर गई, एक बीवी से जुदाई हो गई, तो चार मेरी बीवियां एक दस्तखान पर 24 आदमी, तो मैंने अपनी बीवियों को किया कहा हुआ है पता है आपको, तरीका भी अभी मैं बताऊंगा, वसीम साहब परेशान हो, बिल्कुल बताऊंगा एक तरीका बताऊंगा, आपकी बीवी अकेला आपके सामने छू भी नहीं कर सकी, अभी बताने वाला हूं, लोग इंतजार में हैं, वही तरीका दस सुनो। मैंने बीवियों को कहा हुआ है कि भाई दिन को मेरी हुकूमत होगी, इशा के बाद से लेकर 11 बजे तक आपकी हुकूमत। क्या मतलब? इसका मतलब ये, मैं गुस्सा लड़ाई झगड़ा जो कुछ मैं करूं, आपने कहा ठीक है जी जनाब, ठीक है जी जनाब, तो पैसे भी दूंगा, मजे भी दूंगा, होटलों में भी पढ़ाऊंगा, आउटिंग होटलिंग वो भी करेंगे और उम्रे पर भी जाएंगे, डोंट स्पीक साइलेंट, लर्न योर लेसन, ओके ठीक है जी, बस कह रहे ठीक है, लेकिन जब ईशा की नमाज के बाद आ जाऊं तो मुझे ऐसा समझो जैसे कि मैं बीवी हूं, तुम बोलती जाओगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आज आपने जो ये किया उस बीवी के साथ आप 10 मिनट बैठे, मेरे पास तो 5 मिनट बैठे, मेरे पास तो मुंह लटका के बैठे होते हो, उधर तो हंसते रहते हो, तो वो अपने केले शिकवे ये सब कुछ, मतलब ये है कि वो 11 बजे तक करती, 11 बजे के बाद डोंट स्पीक, बस आपका सब ये जबरन नहीं बनना चाहिए, गुस्से वाला नहीं बनना चाहिए, औरतों को भी मौका देना चाहिए वो अपना मौका बयान करे, गुस्सा करे, उसका तरीका ये मैंने सीखे अपने खालू से, तरबेड़ के सरबराह है तो उनकी बीवी जो ना वो चुप, मर्द गुस्सा करे, रात को हम 10 दिन वहां रहे उनके घर, नहीं नहीं मेरी शादी भी तो मैं वहां गया था, किसके लिए? हनीमून के लिए, तो मेरा तो वो रात को भी गुस्सा करे, दिन को मर्द गुस्सा करे, मैंने कहा फिर मैं क्या था मैंने हाँ? मेरी खाला जी, अब सुनो तो मैं इस तरह करता हूं तो बीवियों को मौका दो ताकि वो भी बोले, वो भी अपना भड़ास निकाले, बोलो अमल करेंगे इंशाल्लाह, बताऊंगा। अच्छा तो मेरी जो बीवी इंतकाल कर गई ना, तो मैं उसको कहता था बोलो ना, इन्हें तुम बोलो आपका क्या गिला है हा? उसने काबे को देखा ना, तीसरी बीवी थी, चौथी बीवी थी, दो एक बहन थी, तो काबे को देखा ऐसे कह रहे अल्लाह तू पहली एक जगह शादी की 12 साल हो गए, उधर भी बच्चे नहीं है, यहां भी बच्चे नहीं है, तो बस या अल्लाह मुझे 27 रमजान को ले जाओ अपने पास। मैंने कही दुआ नहीं करनी चाहिए, कह रहे मैंने कर ली बस बात, वक्त की 27 रमजान के बाद ही तो उसका इंतकाल, उसकी दुआ कबूल हो गई, तो उसको मैं अच्छा मैं मुझसे अगली शादी करनी है, अच्छा तुम लोगों को दूसरी शादी से मना करता हूँ, इस पर मेरी एक पक्ष तो दो तुम्हें वीडियो खुदा रहा, अपनी परेशानी अगर बढ़ाना चाहते हो दूसरी शादी करो, खुदा रहा दूसरी शादी मत करो, अपने आप को परेशान ना करो, दूसरी शादी वालों से पूछो कि वो कितने परेशान है, यही है कि बीवी ठीक है हाँ, और मैं भी आपके सामने हंसता हूँ, अंदर से मेरा क्या हाल है आपको क्या पता है, चलो ठीक आगे चलो। तो मैं उस बीवी में लोग कहते हैं आप शादी करेंगे नहीं करेंगे, मैंने कहा कोई फर्ज ही नहीं, तो जब मैं करा था मैंने कहा किसी ने यही कहा है, तो वो मेरी चौथी बीवी कहती थी जबीबुल भाई, वो चौथी बीवी कहती थी कि वो बीवी अगर मैं हो जाऊं तो अच्छा हो हाँ, तो मैंने कहा बाकी तीनों में से कोई हो जाए लेकिन तुम बिल्कुल ना हो जाए, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत थी वो ही चली। तो मैं उसको कहता था ईशा के बाद आप बोल,
इन आपके क्या गिले हैं आपको इजाजत है, तो वो ये शेर पढ़ती थी, न गिला करते हैं, वाह, न गिला करते हैं, न शिकवा करते हैं, आप सलामत रहे हम दुआ करते हैं, वाह, न गिला करते हैं, न शिकवा करते हैं, आप सलामत रहे हम दुआ करते हैं। कह रहे आपसे लड़कर पूछ रहा था क्यों खराब करो, ठीक है कोई गिला नहीं करता हूं, बड़ा अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, अकल अता फरमाए। तो कल वो नुस्खा बताऊं या आज वो नुस्खा बताऊं, बीवी को दबा दे, ओए ओए सारे हाथ खड़े हो गए, रोबे से एक हाथ खड़ा करते हैं, आज दो हाथ सबने खड़ा करते हैं, इनकी बैर पड़ा नहीं बैर कहीं ने खड़ा कर दो, बताओ औरत को दबाने का बेहतरीन नुस्खा बताऊं, मुझे वो रमानिया ना बताओ, औरत को दबाने का बेहतरीन नुस्खा क्या है, औरत से खामोश हो जाओ, बस ये नुस्खा खामोश, जो खामोश औरत से खामोश हो गया दो दिन तीन दिन वो औरत हो सकते हो मर जाए, ये नुस्खा सही नुस्खा है, ये सही नुस्खा है खामोश। लेकिन मैं कहता हूं ये वैसे मैंने बता दिया, इस बेचारी से खामोश नहीं होगा और इंशाल्लाह खामोश नहीं होंगे, गपशप लगाएंगे, वो लड़ाई गुस्सा करेंगे फिर भी हम उनके साथ प्यार करेंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, आउटिंग होटलिंग करेंगे इंशाल्लाह, कभी कभी वॉकिंग और जॉगिंग भी करेंगे, इसलिए हुजूर ने आया जल्दी लड़ाई के साथ दौड़ भी लगाई है और इंशाल्लाह। एक तरीका ये है, अब पूछो ये तरीका मुझे किसने बताया, बताओ मेरे को, बूढ़ी अम्मा जी ने ये बताया था, लेकिन मैंने आपको बताया, खामोश रहो सब पूछी हो, ये बहुत जबरदस्त नुस्खा है, अल्लाह يا حي يا قيوم اصلح لنا ان شاء الله صلى الله زمن قلت فرشه